रेवोल्यूशन। मूवमेंट, आंदोलन और रिवोल्ट, ये तीन वर्ड हैं, विद्रोह। इन तीनों में फर्क क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है, जो स्थापित व्यवस्था होती है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एग्जिस्टिंग मूवमेंट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है उसमें सिर्फ रिफॉर्म की मांग होती है बस। जब भी स्थापित व्यवस्था में सुधार की मांग हो, जब भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर में रिफॉर्म की बात हो, तो वो हुआ आंदोलन। आप कहोगे एग्जाम्पल वर्ण व्यवस्था, छठी शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, सिक्स सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धा महावीरा, ये वर्ण व्यवस्था के अंत की बात नहीं कहते। ये नहीं कहते वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो, नहीं, ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सुधार कर दो। तो ब्राह्मणवादी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर है, ये कहते नहीं, वर्ण व्यवस्था को, वर्णा जो सिस्टम है इसको कर्म के आधार पर कर। इसीलिए हम छठी शताब्दी के जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। जब भी, इसीलिए हम भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी हमने उसको खत्म नहीं किया, सिर्फ शासक बदल गए, व्यवस्था वही है। ये होता है आंदोलन। पुरानी व्यवस्था में सुधार की मांग, तो फिर रेवोल्यूशन क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो पुरानी व्यवस्था है उसका एंड, खत्म, और नई व्यवस्था की शुरुआत, न्यू ऑर्डर। पुरानी व्यवस्था का अंत, नई व्यवस्था की शुरुआत। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एंड ऑफ द स्टेटस ऑफ मोनार्की, राजशाही का जो महत्व है वो खत्म हो गया। फिर क्या शुरू हो गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, ये है क्रांति। पुरानी व्यवस्था का अंत, नई व्यवस्था की शुरुआत, एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। रिवोल्ट क्या है? व्यवस्था के खिलाफ अपराइजिंग, किसी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाना। लेकिन आपके पास उसको रिप्लेस करके नई व्यवस्था का कोई प्रारूप नहीं है। जैसे 1857 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह तो किया इन्होंने, कंपनी को, ये सत्ता को खाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई नया विकल्प नहीं था। ये वही पुरानी सड़ी गरी परंपरा जो चली आ रही थी, जो मर चुकी थी, ये उसको फिर से जिंदा कर, ये मुर्दों को फिर जिंदा करना चाहते थे, वो होता ही नहीं। यह क्रांति, आंदोलन और विद्रोह में अंतर।